मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। मुल्क में मजदूरों की किल्लत दूर करने के लिए कैनेडियन हुकूमत का बड़ा फैसला, 2025 तक 5 लाख अफराद को कैनेडा लाने का हदफ। इमिग्रेशन मिनिस्टर का कहना है कि ये तमाम इकदाम कैनेडा के इक्तिसादी खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी हैं। क्यूबेक में मुंतखब होने वाले अरकिन को बादशाह की वफादारी का हल्फ उठाना होगा। क्यूबेक की कौमी असम्बली के स्पीकर का कहना है कि इनकार करने वाले अरकिन असम्बली का हिस्सा नहीं बन सके। इनकारी अरकिन अपने मौकिफ पर डट गए। कनाडा में सहाफी अरशद शरीफ के कत्ल के खिलाफ मुजाहरा, ओवरसीज पाकिस्तानियों का कातलों को कानून के कटहरे में लाने का मुतालबा। शहीद अरशद शरीफ के इसाले सवाब के लिए फातिया खानी का भी एहतमाम किया गया। शुमाली कोरिया ने एक बार फिर मिसाइल का तजर्बा कर लिया। तजर्बे के लिए फायर किया गया मिसाइल जनूबी कोरिया की हदूद में गिरा। इलाके में फिजाई हमले के अलार्म बजाए गए। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का रूसी सदर प्यूटिन से टेलीफोनिक राबता। तुर्क सदर रूसी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। रूस का ज़रूरतमंद ममालिक को अनाज फराहम करने का ऐलान। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. कनाडा की वफाकी हुकूमत 2025 में 5 लाख अफराद को लाने के हदफ के साथ कनाडा में दाखिल होने वाले तारिकीन वतन की तादाद में बड़े पैमाने पर इजाफे का मंसूबा बना रही है। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की वफाकी हुकूमत 2025 में 5 लाख अफराद को लाने के हदफ के साथ कनाडा में दाखिल होने वाले तारिकीन वतन की तादाद में बड़े पैमाने पर इजाफे का मंसूबा बना रही है। इमिग्रेशन के वजीर शॉन फ्रेजर ने नए अहदाफ का ऐलान करते हुए कहा कि ये इकदाम कनाडा की इक्तिसादी खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी है। इस ऐलान से पिछले साल कनाडा आने वाले 4,05,000 तारिकीन वतन और अगले साल आने वाले 4,65,000 में नुमाया इजाफे का इशारा मिलता है। कनाडा की सनतों को मजदूरों की नुमाया कमी का सामना है। मुल्क भर में तकरीबन 10,00,000 नौकरियाँ खाली हैं। नए मनसूबे में तारिकीन वतन की तादाद बढ़ाने पर जोर दिया गया है, जिन्हें अगले 3 सालों में उनकी काम की महारत या तजर्बे की बुनियाद पर दाखिला दिया जाएगा। ये खबर गुज़िश्ता माह जारी होने वाली मर्दुम शुमारी के नए आदाद व शुमार के बाद सामने आई है कि तारिकीन वतन और मुस्तकिल रिहायशी अब आबादी का 23% है, जो कि अब तक की बुलंदतरीन सतह है। स्टैटिस्टिक्स कनाडा ने कहा कि हालिया तारिकीन वतन जो 2016 और 2021 के दरमियान आए हैं, कनाडा की बाकी आबादी के मुकाबले औसतन कम उम्र हैं और कनाडा की लेबर मार्केट में बहुत सी मुलाजमतें भरने के लिए अहम हैं। 2016 से 2021 तक तारिकीन वतन ने कनाडा की लेबर फोर्स की नमू में अहम हिस्सा डाला। हालिया तारिकीन वतन का एक बड़ा हिस्सा उनकी कनाडा की मईशत में हिस्सा डालने की सलाहियत के लिए मुंतखब किया गया था। वफाकी हुकूमत ने यह भी कहा कि वो 2023 में कनाडा आने वाले महाजरीन की तादाद 76,000 से कम करके 2025 में 73,000 से कम कर देगी। कनाडा के सूबे क्यूबेक की कौमी असम्बली के स्पीकर ने फैसला सुना दिया है कि तमाम अरकिन को न सिर्फ क्यूबेक के लोगों से बल्कि किंग चार्ल्स स्वयं से भी वफादारी का हल्फ उठाना होगा। मज़ीद जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। कनाडा के सूबे क्यूबेक की कौमी असम्बली के स्पीकर ने फैसला दिया है कि तमाम अरकिन को न सिर्फ क्यूबेक के लोगों से बल्कि किंग चार्ल्स स्वयं से भी वफादारी का हलफ उठाना होगा अगर वो अपने फराइज अंजाम देना चाहते हैं। जो लोग इनकार करते हैं उन्हें सार्जेंट एट आर्म्स के जरिए निकाल दिया जाएगा। गुज़िश्ता महीने पार्टी के अरकिन असम्बली ने अपनी हलफ बर्दारी की तकरीबात के दौरान बादशाह के लिए हलफ शामिल नहीं किया। दोनों जमातों के फैसलों ने उनकी कौमी असम्बली में खिदमत अंजाम देने की अहलियत पर सवालिया निशान लगा दिया।
दोनों जमातें फ्रांस व लेगो की हुकूमत चाहती हैं, जिसके अराकीन मुकन्नना की 125 में से 90 नशिस्तें रखते हैं। एक ऐसी तहरीक या बिल मंजूर करे जो उनकी बहरहाल कौमी असम्बली में बैठने की हिमायत करे। उन्होंने कहा कि ये फैसला कौमी असम्बली का एहतराम करने वाले एक्ट की बुनियाद पर किया गया है। क्यूबेक का कानून, जिसमें यह शर्त आयद की गई है कि पार्लिमानी कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए कैनेडा के सरबराह मुमलिकत अब किंग चार्ल्स सोम से वफादारी का हलफ उठाना होगा। जिन अरकान ने हलफ नहीं उठाया वह कौमी असम्बली या उसकी किसी कमेटी में नहीं बैठ सकते। अगर कोई शख्स इस ममानियत की तामील करने से इनकार करता है तो सार्जेंट एट आर्म्स उन्हें निकालने का मजाज होगा। बादशाह की वफादारी से इनकारी अराकीन का कहना है कि वो और उनके साथी मुंतखब पार्टी के अरकान बादशाह से हलफ नहीं उठाने वाले थे, चाहे कुछ भी हो। क्यूबेक पार्लियामेंटेरियंस पर आयद रॉयल्टी खत्म हो गई है, ये इस साल खत्म हो रही है। पार्टी क्यूबेक के अराकीन खड़े होंगे और हार नहीं मानेंगे। कनाडा में सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल के खिलाफ ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई और कातलों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा किया गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल के खिलाफ ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई और कातलों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि अरशद शरीफ शहीद की कत्ल की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात कराई जाए और कातलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। कनाडा में शहीद सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल के खिलाफ बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भी सड़कों पर निकल आए और एहतजाजी रैली का इनेकाद किया, जिसमें तहरीक इंसाफ कनाडा के अहदेदारों और कारकुनों समेत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और शहीद अरशद शरीफ से इजहार यकजहती किया। मुजाहिरीन का कहना था कि अरशद शरीफ हमेशा सच लोगों के सामने लाए, उनका कत्ल सहाफत की दुनिया का नाकाबिले तलाफी नुकसान है, उनका निडर सहाफती किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। मिसिसागा में शहीद अरशद शरीफ के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी का भी अहतमाम किया गया। शुमाली कोरिया ने एक बार फिर मिसाइल का तजर्बा कर लिया। तजर्बे के लिए फायर किया गया मिसाइल जनूबी कोरिया की हदूद में गिरा। तफसील जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। शुमाली कोरिया ने एक बार फिर मिसाइल का तजर्बा कर लिया। तजर्बे के लिए फायर किया गया मिसाइल जनूबी कोरिया की हदूद में गिरा। मिसाइल गिरने के बाद जनूबी कोरिया के हुकाम ने फिजाई हमले की वार्निंग जारी की और सायरन चलाए गए। वाज़ह रहे कि शुमाली कोरिया के मिसाइल तजर्बों की वजह से कशीदगी के शिकार जजीरा नुमा शुमाली कोरिया में अमरीका और जनूबी कोरिया ने कल वसी पैमाने की फिजाई मशकों का ऐलान किया था। शुमाली कोरिया ने अमरीका और जनूबी कोरिया के मुश्तरका फौजी मशकों को अमली कब्जे की तैयारी करार दिया और अमरीका को मुतनब्बा किया है कि हम ज्यादा सख्त तदाबीर इख्तियार करेंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक शुमाली कोरिया ने नया मिसाइल तजर्बा किया है। तजर्बाती तौर पर फायर किया गया मिसाइल शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया का मैरीटाइम बॉर्डर अबूर करके जनूबी कोरिया के इलाके में गिरा। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि दोनों ममालिक के 1945 में तकसीम के बाद ये पहला मौका है जब शुमाली कोरिया की तरफ से फायर किया गया मिसाइल जनूबी कोरिया में गिरा है। शुमाली कोरिया का नया मिसाइल मुख्तसर फासले तक मार करने वाला मिसाइल जनूबी कोरिया की हदूद के 60 किलोमीटर अंदर सोकुचू शहर में गिरा, जिसके 22 इलाके में फिजाई हमले के अलार्म बजाए गए। जनूबी कोरिया ने शुमाली कोरिया के मिसाइल के जवाब में 3 मिसाइल फायर किए। जनूबी कोरिया के सदर ने शुमाली कोरिया के इस इकदाम में सरहदी खिलाफ वर्जी करार दिया है। प्योंगयांग इंतजामिया अक्वामे मुत्तहदा के फैसलों के खिलाफ वर्जी करते हुए रवां साल के आगाज से अब तक 28 मिसाइल तजर्बे कर चुकी है। तुर्क वजीर खारजा ने कहा है कि सदर रजब तैयब उर्दगान अनाज की बरामद के मुहायदे की बहाली के लिए कोशा हैं। आइंदा दिनों में रूसी और यूक्रेनी हम मनसबों के साथ मुलाकात करेंगे। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक राब्ता किया और अनाज बरामदगी मुहायदे से दस्तबरदार होने के मामले पर गुफ्तगू की। तुर्क वजीर खारजा ने कहा है कि सदर रजब तैयब उर्दगान अनाज की बरामद के मुहायदे की बहाली के लिए कोशा हैं। आइंदा दिनों में रूसी और यूक्रेनी हम मनसबों के साथ मुलाकात करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक तुर्क सदर का इस हवाले से कहना है कि अनाज बरामदगी मुहायदे पर अमल दरामद करने के मसाइल हल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सदर उर्दवान का मजीद कहना था कि मुहायदे से मुतालिक मसाइल को फरीकैन के साथ मिलकर हल करने की कोशिश है। अनाज बरामदगी मुहायदे के हल पर तआवुन किया जा सकता है। तुर्क वजीर खारजा ने इस उम्मीद का भी इजहार किया था कि अनाज बरामदगी मुहायदे का मसला हल कर लिया जाएगा। उनका कहना था कि अनाज बरामदगी मुहायदा सबके लिए सूदमंद है। रूस यूक्रेन जंग के बाद अनाज के मुअत्तल
होने वाले माहदों की वजह से बहुत से ममालिक में गजा के बहरान का खदशा पैदा हो गया, जिसका बराह रास्त इल्ज़ाम रूस पर आयद किया जा रहा है। यूक्रेन से अनाज की बरामद के माहदे की मअतली के बाद गुज़िश्ता दो दिनों में बहुत से मगरबी ममालिक ने रूस पर इल्ज़ाम की भरमार कर दी है। इस हवाले से रूसी अहदेदार ने गुज़िश्ता रोज़ ऐलान किया है कि रूस ज़रूरतमंद ममालिक को गंदम फराहम करके उनकी मदद करने के लिए तैयार है। याद रहे कि रूस गुज़िश्ता हफ्ते यूक्रेनी बंदरगाहों से अनाज बरामदगी माहदे से दस्तबरदार हो गया था। रूस और यूक्रेन का अनाज बरामद करने का माहदा अक़वाम मुत्तहिदा और तुर्किया की सालिसी में इस साल जुलाई में हुआ था। दूसरी जानिब रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन शहर खैरसून बड़ी तबाही फैलाने वाला डर्टी बम इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए रूस ने खबरदार करते हुए शहरियों को इनखला के अहकाम जारी कर दिए हैं। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।